इनकम मेथड से बिना भी आपको पता है इंडिपेंडेंस निकलता है। इसको हम ऐसे करके हम इसका फॉर्मूला देख सकते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ क्योंकि जो भी लोग एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको जो भी पैसा मिलता है उसको हम COE में काउंट करते हैं, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में। इनको डिटेल में मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूँगा। इसका जो दूसरा कॉम्पोनेंट है उसका ऑपरेटिंग सरप्लस, और जो तीसरा कॉम्पोनेंट है उसको बोलते हैं मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। आपको जब भी न्यूमेरिकल निकाला जाएगा, निकालने के लिए दिया जाएगा, तो आपको ऐसे लिखना है NDBFC जो ये चीज़ है प्लस COE प्लस COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। आपको अगर सिंपल वैल्यूज दी गई हैं तो आपको सीधा उठा के यहाँ पर डालना है और आप कैलकुलेशन करके NDBFC निकाल सकते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम टू माई चैनल संजय भटनागर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। कम ऑन यार, आप लोगों को अगर 90% प्लस स्कोर करने हैं, मैंने पूरे सिलेबस को पहले भी बताया हुआ है कि मैंने पूरे सिलेबस को बहुत सिंपल तरीके से छोटी छोटी वीडियोस में बांटा हुआ है, तो आपको उसको पूरा कॉन्सेप्ट को समझना बहुत आसान हो जाएगा एंड इट विल रियली हेल्प यू इन स्कोरिंग गुड मार्क्स। मैं आपको आज इनकम मेथड के 10 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, अगर आपने ये 10 न्यूमेरिकल्स कर लिए तो आपको इनकम मेथड के किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है इसमें हमको इनकम मेथड में निकालने के लिए बोला गया है NDBFC। ध्यान रखिएगा, इनकम एंड वैल्यू एडिट मेथड में हमेशा NDBFC निकलता है, जिसको मैंने पहले बताया हुआ है कि डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं या NVAFC भी बोलते हैं, नेट वैल्यू एडिटेड फैक्टर कॉस्ट। सपोज आपको ये इस इनकम मेथड का एक बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, अगर आपको न्यूमेरिकल में कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिए 1000, ऑपरेटिंग सरप्लस दिए 800, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दिए 900, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे सीधा उठा के NDBFC के वैल्यू फॉर्मूला लिखना है। COE मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग सरप्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। आप जब तीनों को प्लस करेंगे आपके पास डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा। कई बार न्यूमेरिकल में आपको सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए बोला जाता है, आपको फिगर्स दिए हुए कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज 500, रेंट 100, रॉयल्टी 200, इंटरेस्ट 100, प्रॉफिट टैक्स 50, डिविडेंड 150 एंड अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट 200। आपको क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए बोला गया, मैंने अपनी इनकम मेथड में ऑपरेटिंग सरप्लस के कॉम्पोनेंट्स को पहले ही एक्सप्लेन करा हुआ है। अगर हो सके तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ऑपरेटिंग सरप्लस के मेन कंपोनेंट होते हैं रेंट, हमने रेंट ले लिया, देन इंटरेस्ट 100, रॉयल्टी 200, प्रॉफिट टैक्स, क्योंकि प्रॉफिट के फिर तीन पार्ट होते हैं, प्रॉफिट टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट टैक्स ले लिया, डिविडेंड ले लिया हमने 150 एंड अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट 200। जब आप इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे आपके पास 800 आएगा, विच विल बी आर ऑपरेटिंग सरप्लस। बाकी जो कंपोनेंट्स आपको दिए हुए हैं आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए गए, COE की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इट इज़ जस्ट टू कंफ्यूज यू दैट दे हैव गिवन द वैल्यू। ओके बच्चों, अगला न्यूमेरिकल हमारा इनकम मेथड में हमारे को निकालने के लिए बोलोगे NNPA-10P। जो इससे पहले वाला न्यूमेरिकल था वो बहुत सिंपल था, अब आपको NNPA-10P निकालने के लिए बोलोगे। इसमें सबसे जो वैल्यू थी वो दी हुई कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 450, रेंट 100, इंटरेस्ट 90, कॉर्पोरेशन टैक्स 50, प्रॉफिट 200, फीफा 20, फीटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 40, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 40, इनडायरेक्ट टैक्सेस 50, सब्सिडीज 13। मैंने आपको जब मैंने इनकम मेथड का फॉर्मूला एक्सप्लेन करा हुआ है तो मैंने इसमें बताया हुआ है कि आपको हमेशा इनकम मेथड से NDBFC निकलता है। आपको सबसे पहले NDBFC का फॉर्मूला लिखना है, तो NDBFC का फॉर्मूला है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हमको एक फिगर दिया हुआ है 450, वेल एंड गुड, हमें सिर्फ 450 का फिगर उठाना है। अगला हमारे को दिया हुआ है, हमें निकालना है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के मैंने इनकम मेथड में कॉम्पोनेंट्स एक्सप्लेन करे हुए हैं, चार कॉम्पोनेंट्स होते हैं रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट। हमारे को रेंट दिया हुआ है 100, इंटरेस्ट दिया हुआ है 90, 100 और 90 ले लिया। अब रॉयल्टी हमारे को यहाँ पे कहीं नहीं दिया हुआ तो हम उसको छोड़ देंगे। अब आ गया एक दिया हुआ प्रॉफिट और साथ में दिया हुआ कॉर्पोरेशन टैक्स। ध्यान रखिए क्योंकि जो कॉर्पोरेशन टैक्स है वो प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, तो इसका मतलब है कि हमारे को एक कंबाइंड फिगर दिया हुआ है, हमारे को कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं लेना है क्योंकि हमारे को प्रॉफिट दिया हुआ है जिसमें कि कॉर्पोरेशन टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो हमने प्रॉफिट ले लिया। अब इसका जो थर्ड है वो मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 40, तो हमने 40 ले लिया।
जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आएगा 880। अब हमारे पास आया अभी NNPATFC, हमें निकालना है NNPATMP, क्यों निकालना है हम वो बाहर लिखेंगे। तो हमने लिखा NNPATMP, अब हम NNPATFC से NNPATMP निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, NNCA में डोमेस्टिक टू नेशनल में जाने के लिए हम NFIA ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फीफा और फीटा दोनों दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, फीफा माइनस फीटा करेंगे। तो फीफा माइनस फीटा देन आता है, और इसमें FC से MP में जाने के लिए हमें NIT प्लस करना है। तो अब हमने सारी वैल्यूज ले ली, NNPATFC 880 दिया हुआ है, फीफा हमारे पास दिया है 20। मैंने आपको बताया कि अगर एक से ज़्यादा वैल्यू होती है तो आपको हमेशा ब्रैकेट यूज़ करना है, तो फीफा हमें दिया है 20, फीटा हमारे को दिया हुआ 40। सो ये हो जाएगा 20 माइनस 40। देन आ जाता है NIT है इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी 50 माइनस 30। जब आप इसको पूरा वैल्यूज लिख देंगे, अब जैसे यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, जब आप इसको पूरी वैल्यूज लिख देंगे तो ये आ जाएगा 880 प्लस 20 माइनस 20, 20 माइनस 40 माइनस 20 प्लस 20 प्लस 20। तो इस तरीके से आपके पास आंसर आ जाएगा 880। ओके बच्चों, अगला न्यूमेरिकल हमारे को बोला गया NNPATFC निकालिए। अब हमारे को वैल्यूज दिए, रेंट 400, रॉयल्टी 200, इंटरेस्ट 500, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 1000, प्रॉफिट 500, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 1000। जब आपको सिंपल सीधी वैल्यूज दिए तो आपको सिर्फ उसको उठाना है और आपको फॉर्मूला में डालना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। मैंने पहले फॉर्मूला लिखा है, NNPATFC COE का वैल्यू आ गई 1000, ऑपरेटिंग सर्फस की क्योंकि पार्ट सी रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट 400, 200, 500 एंड 500, तो हमने ये सारी वैल्यू उठा ली। देन आ गया मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 1000, तो जब आप इसको टोटल करेंगे आपके पास NNPATFC आ जाएगा। ओके बच्चों, इनकम बजट का जो अगला न्यूमेरिकल है, अब आपको बोला गया GNPATMP निकालने के लिए। आपको दिया हुआ है इनडायरेक्ट टैक्सेस 200, डेप्रिसिएशन 100, फीटा 250, फीफा 320, रेंट 250, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 120, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर 200, डिविडेंड 220, इंटरेस्ट 100, सब्सिडीज 200, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 500 एंड कॉर्पोरेशन टैक्स 400। आपको क्योंकि इनकम मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले इनकम मेथड से हमारा हमेशा निकलता है NNPATFC, तो आपको पहले NNPATFC का फॉर्मूला लिखना है, विच इज़ COE प्लस OS प्लस MISC, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हमारे को दिया हुआ है 500। अब ध्यान से देखिएगा, हमारे को ऑपरेटिंग सरप्लस की कमाइंड वैल्यू नहीं दी, ऑपरेटिंग सरप्लस को उन्होंने पार्ट्स में तोड़ के दिया हुआ है। तो जो उसका सबसे पहला पार्ट है, आप कोशिश ये करिएगा कि आप उसको स्टेप बाय स्टेप याद करें। तो उसको जो सबसे पहला पार्ट है मेरी वीडियो में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। पहला पार्ट है रेंट 250, अगला है इंटरेस्ट आ गया 100, रॉयल्टी इसमें है नहीं, इसका इंटरेस्ट का जो अगला पार्ट है रॉयल्टी है। अब इन्होंने क्या कर रखा है, प्रॉफिट को फिर तीन पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। तो सबसे पहला आ गया कॉर्पोरेशन टैक्स 400, डिविडेंड है 220, तो 220 एंड देन एक आता है नेट रिटेन्ड अर्निंग, जिसको हम सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर दिया हुआ, मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया हुआ है। आपको वैल्यू ले दिए विच इज 200 एंड उसके बाद आ जाता है मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 120 ले लिया। जब आप इस पूरे को टोटल करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आपके पास आ जाएगा 1790। अभी आपके पास NNPATFC आया है, अब आपको निकालना है GNPATMP। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला लिखना है। तो जो निकालना है वो हम हमेशा लेफ्ट साइड में लिखेंगे, हमें निकालना है NNPATFC से। सो नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ग्रॉस बड़ा है नेट छोटा है, हम डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं। तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हम NFIA करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फीफा और फीटा अलग अलग दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, फीफा माइनस फीटा कर देंगे। फीफा है हमारे पास 320, फीटा है 250। देन आता है NIT, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है इनडायरेक्ट टैक्सेस 200 एंड सब्सिडीज दिया हुआ है 200, तो ये 200 माइनस 200 हो जाएगा। जब आप इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे, पहले आपको ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है, जब आप इसको पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे आपके पास 1960 आएगा। ओके बच्चों, अगला न्यूमेरिकल इनकम मेथड में हमारे को यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज दी हैं,
मैं आपको जानकर के बड़ा न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, जिससे कि मैं एक बहुत वाइड तरीके से इसको कवर कर सकूँ। सबसे पहली वैल्यू दी है सैलरीज एंड वेजेस इन कैश 1997, कॉम्पेंसेशन ऑफ वर्कर्स इन काइंड, ये काइंड है 95, रेंट 132, इंटरेस्ट 92, रॉयल्टी 25, कॉर्पोरेट टैक्स 10, डिविडेंड 201, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 26, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स 54, मिक्सड इनकम 264 एंड NFIA है 52, इंटरेस्ट है 92। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जब आपको इनकम मेथड से, अब सपोज आपको यहाँ पे NNP से निकालने के लिए बोला गया, बट इनकम मेथड का जो बेसिक फॉर्मूला है कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, उससे आपको हमेशा NDPW निकलता है। तो हमने पहले क्या करा, पहले फॉर्मूला लिख लिया COE प्लस OS प्लस MISC। अब हम क्या करेंगे, COE की वैल्यू देखेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इन वन एक कंबाइंड फिगर नहीं दिया हुआ, इन्होंने क्या रखा है कि इन्होंने उसको कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करके दिया। तो ध्यान से याद रखिएगा कि आपको जब भी कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के कॉम्पोनेंट्स ढूंढने हैं, बाई चांस आपको याद नहीं, तो आपको ये ध्यान रखना कि कौन कौन सा एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉयर को दिया है काम करने के लिए। तो जैसे सबसे पहले आ गया सैलरी एंड वेजेस इन कैश, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कैश में पेमेंट करा 1997 का, क्योंकि एम्प्लॉयर दे रहा है, हम इसको यहाँ पे ले लेंगे। अगला है कॉम्पनसेशन ऑफ वर्कर्स इन काइंड, कई बार कई सारे एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, वो अपने वर्कर्स को इन काइंड देते हैं। इन काइंड का मतलब है जैसे ट्रैवल अलाउंस दे दिया, जैसे हाउस रेंट अलाउंस दे दिया, जैसे लंच का अलाउंस दे दिया, तो वो सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो हम करते हैं काउंट कॉम्पेंसेशन ऑफ वर्कर्स इन काइंड में। तो यहाँ पे 95 दिए, हमने 95 ले लिया। अब ये जो बाकी सारे हैं वो ऑपरेटिंग सर्विस के पार्ट है, तो इसको हम टच नहीं करेंगे। अगला है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम 54, क्योंकि यहाँ पे भी एम्प्लॉयर दे रहा है, हम इसको यहाँ पे काउंट करेंगे कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में। हमारा जो पहला कॉम्पोनेंट है COE वो पूरा हो गया। अब अगला है ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस के मैंने आपको पार्ट्स बताए हुए हैं, एक बार दोबारा से बता रहा हूँ, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट, ये चार दिए हुए हैं। और प्रॉफिट को भी कई बार आगे तीन कॉम्पोनेंट्स में तोड़ के दिया जाता है, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, प्रॉफिट का कंबाइंड फिगर दिया, यहाँ पे प्रॉफिट को भी कई सारे पार्ट्स में तोड़ के दिया है। तो सबसे पहले हमने रेंट उठा लिया 132, इंटरेस्ट 92, रॉयल्टी 25, तो रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, देन आता है कॉर्पोरेट टैक्स 10, डिविडेंड 201 ले लिया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 26, हमने 26 ले लिया। अब मैं ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ, ब्रैकेट पे हमने सारे फिगर्स डाल दिए। अगला है इसका मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 264, हमने 264 ले लिया। जब आप इसको सारा का सारा कैलकुलेशन करेंगे आपके पास आएगा 2896। कोशिश ये करिएगा इन तीनों को प्लस करा ये आ गया, इन पूरे ब्रैकेट को प्लस करा ये आ गया, इसको ये एज इट इज उठा लिया, तो जब हम इसको टोटल करेंगे 2896। अभी हमारे पास NDPW है, अब हमारे को इसको NNPW में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या करा, जो निकालना था हमने बाहर लिखा NNPW, NDPW। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, डोमेस्टिक और नेशनल का। सो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए, क्योंकि नेशनल बड़ा होता है, हम NFIA ऐड करेंगे। सो हमने क्या करा, 2896 जो ये वाला फिगर था प्लस 52 NFIA लिया, जब हम ऐड करेंगे हमारे पास 2948 का आंसर। बच्चों अगला न्यूमेरिकल एक हल्का से यहाँ पे ट्विस्ट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को चेंज करके यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे कैलकुलेशन करना है। आपको निकालना है NNPW इनकम मेथड से, इनकम मेथड के न्यूमेरिकल कर रहे हैं अभी। तो इनकम मेथड में अगेन मैंने आपको पहले बताया हुआ NDPW कैलकुलेट करना है। मैंने NDPW का फॉर्मूला लिख लिया, कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सबसे पहले मैंने COE देखा, हमारे को यहाँ पे COE दिया है, तो इसका मतलब है इसके कॉम्पोनेंट्स की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे को कंबाइंड फिगर दिया हुआ 600 का, हमने ले लिया। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस के पार्ट दिए हुए, तो ऑपरेटिंग सरप्लस के पार्ट होते हैं रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट। कई बार अगर ये चार पार्ट्स एज इट इज़ दिए हुए तो बहुत अच्छी बात है, पर कई बार मैंने आपको इनकम मेथड की जब वीडियो मैंने बनाई है तो उसमें मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है कि प्रॉफिट को भी आगे कई बार पार्ट्स में तोड़ के दिया जाता है। तो प्रॉफिट के जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो अब हमारे को यहाँ पे हमारे को हमने क्या करना है, ऑपरेटिंग सरप्लस की सारी वैल्यूज उठानी है। तो हमने क्या करा, पहले ले लिया रेंट, इंटरेस्ट, देन
रॉयल्टी हमारे पास नहीं है। अब यहाँ पे एक जो ट्विस्ट है वो क्या है कि इन्होंने क्या कर रखा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब होता है जो टैक्स को देने के बाद जो बच गया उसको कंबाइन करके इसको लिखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो अब आपको इस वैल्यू को यहाँ पे लेना है। सो ये आपके पास कॉर्पोरेट टैक्स प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पास पूरा प्रॉफिट बन जाएगा। देन आता है मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, न्यूमेरिकल में नहीं दिया हुआ तो हम इसको जीरो लेंगे। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे इसको आएगा 725। अब क्योंकि निकालना था NNPTFC, हमारे पास अभी है NDPTFC, हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखा NNPTFC का जो बाहर निकाल जो निकालना है बाहर लिखेंगे NDPTFC प्लस NFI क्योंकि नेशनल बड़ा है। अब हमारे पास NFI का जो फिगर दिया वो दिया -5, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला का प्लस लिखा ब्रैकेट में -5 लिखा। जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे हमारे पास 720 का फिगर। ओके बच्चों, एक बिल्कुल पिछले वाले न्यूमेरिकल की तरह एक और न्यूमेरिकल, सिर्फ हल्का सा फिगर में फ़र्क है। यहाँ पर भी हमको NNPTFC निकालने के लिए बोला गया है जिसको हम नेशनल इनकम भी बुलाते हैं। मैंने आपको बताया था कि इनकम मेथड से हम जब भी फॉर्मूला निकालते हैं वैल्यू निकालते हैं तो हमको पहले NDPTFC निकालना है। फॉर्मूला है COE प्लस OS प्लस MISC, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। COE दिया हमारे को 600। अब क्या इन्होंने ऑपरेटिंग सरप्लस को इन्होंने सीधा नहीं दिया, इसको तोड़ के दिया। तो सबसे पहले पार्ट आता है रेंट 60, इंटरेस्ट 40। अब इन्होंने क्या कर रखा है, रॉयल्टी नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, प्रॉफिट को इन्होंने तोड़ कर दिया है। तो प्रॉफिट इन्होंने कैसे दिया है, ये प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का एक पार्ट होता है कॉर्पोरेट टैक्स, एक पार्ट होता है डिविडेंड, एक पार्ट होता है अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का जो पार्ट बंट गया, जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जैसे कि कोई भी कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो वो गवर्नमेंट को टैक्स देती है, वो शेयर होल्डर्स में डिविडेंड बांटती है, मतलब ये बांट दिया कंपनी ने, तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो अब इन्होंने क्या न्यूमेरिकल में क्या करा हुआ है कि इन्होंने इंस्टेड ऑफ गिविंग कॉर्पोरेट टैक्स एंड डिविडेंड सेपरेटली अलग अलग फिगर देने के बजाय इसको कंबाइन करके इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लिख दिया और एक लिख दिया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मतलब हमारे को ये लेना है विच इज दिस वन और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लेना है जो ये वाला फिगर है। तो इस तरीके से हमारे पास प्रॉफिट का पूरा कंपोनेंट आ जाएगा, रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। एंड देन मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ पे जीरो है, तो हमने क्या करा, सारी वैल्यू लिखी, हमने इसको कैलकुलेशन करा, 725 आ गया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि NFI ये पिछले न्यूमेरिकल वाले वैल्यूज हैं, हल्का सा मैंने यहाँ चेंज करा है। NFI -5 है, -5 लिया। NDPTFC प्लस NFI क्योंकि NFI माइनस का है, तो आंसर 725 -5 हो जाएगा, 720 आ जाएगा। ओके बच्चों, अगला न्यूमेरिकल है, हमारे को यहाँ पे रेंट निकालने के लिए बोला गया है। जो इनकम मेथड का एक कॉम्पोनेंट है वो ऑपरेटिंग सरप्लस का, हमारे को वैल्यूज दी GDP 18,000, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 7,000, सब्सिडीज 250, इंटरेस्ट 800, प्रॉफिट 975, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय 6,000, डेप्रिसिएशन 1,000, इनडायरेक्ट टैक्सेस 2,000। हमको क्योंकि रेंट निकालने के लिए बोला गया और हमारे को और यहाँ पे कोई तरीका नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस GDP को NDPTFC में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने क्या करा, GDP जो निकालना था हमने बाहर लिखा, GDPTFC इसमें से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे नेट बन जाएगा। डोमेस्टिक सेम है, MP से FC में जाने के लिए हमें NIT माइनस करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, सारी वैल्यूज डाली, जब हम सारे कैलकुलेशन करेंगे हमारे पास NDPTFC आ गया, ये हमारे पास NDPTFC आ गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे को रेंट जो कि इनकम मेथड में ऑपरेटिंग सरप्लस का कॉम्पोनेंट है वो निकालने के लिए बोला गया, तो हमने क्या करा, फॉर्मूला लिखा COE प्लस OS प्लस MISC। COE हमारे पास है 6,000, ऑपरेटिंग सरप्लस में जो सबसे पहला कॉम्पोनेंट है रेंट वो हमारे को नहीं दिया हुआ, तो हमने क्या करा, हमने रेंट को एज इट इज लिख दिया क्योंकि रेंट निकालना है। देन रेंट के बाद आता है इंटरेस्ट 800 ले लिया। देन रॉयल्टी यहाँ पे नहीं है, प्रॉफिट हमारे पास 975 दिया हुआ है, तो प्रॉफिट हमने पिक कर लिया। एंड मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 7,000, ये हमने फिगर ले लिया। अब सिर्फ रेंट को छोड़ के हमारे को सारी वैल्यूज दी है, हमारे पास NDPTFC हमने पहले निकाल लिया था, हम सारी वैल्यूज को फॉर्मूला में डालेंगे। तो जब हम फॉर्मूला में डालेंगे तो हमारे पास रेंट को छोड़ के बाकी सब कुछ है। जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे आपके पास रेंट आ जाएगा विच विल बी 475।